हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेकर आ चुके हैं बजाज की तरफ से पल्सर N250। बट उस बाइक का तो वीडियो पहले ही हो चुका है, तो आज की वीडियो में ऐसा क्या अलग है? इट्स ऑल अबाउट द न्यू पेंट स्कीम, द न्यू कलर ऑन द N250 एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट लुक जो मेरा था जब मैंने बाइक को आते हुए देखा, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। दिस कलर इज सुपर ब्राइट एंड सुपर कैची एंड एक अलग ही रोड प्रेजेंस लेके आ रहा है ये कलर। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू चेक आउट दिस बाइक इन पर्सन इन योर नियरेस्ट शोरूम। एंड इफ़ यू लिव एनी वेयर नियर उल्लासनगर और डोंबिवली, आई सजेस्ट यू टू गो टू स्वस्तिक बजाज। अगर बाइक परचेज करनी है या फिर सिर्फ इंक्वायरी करनी है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट दैम। डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड मेरे चैनल का नाम एज ए रेफरेंस ज़रूर यूज़ करना। So let's get started with this bike and with this video. So as I was saying, जो blue color है, oh my god, क्या अलग लुक लेके आ रहा है। एंड अगर किसी ने ये बाइक अपने ओरिजिनल कलर या फिर प्रीवियस कलर में नहीं देखी है, टेक लुक एट दिस। दिस इज़ द ओरिजिनल कलर, द ग्रे कलर। वेल, दोनों ही बाइक्स पे फिलहाल धूल है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। बट यू कैन हैव अ रफ आइडिया हाउ द बाइक लुक। एंड ये कलर मेरा पर्सनल फेवरेट था, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड डेफिनेटली। दिस इज़ माई फेवरेट कलर। एंड शुरुआत करते हैं एक अच्छे से वॉक अराउंड के साथ। आपको इस बाइक का फुल रिव्यू देखना है तो आई लिंक पे वीडियो शेयर हो रही है, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट लेटर। फॉर द टाइम बीइंग शुरुआत करते हैं आगे की तरफ से। हमें एक अच्छे से LED DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। LED हेडलैम्प्स है यहाँ पर, तो विजिबिलिटी की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने नाइट में से चेक भी किया है, रिव्यू में आपको दिख ही जाएगा। एंड ब्लू कलर की पेंट स्कीम यहाँ पर आप देख सकते हो, और ब्लू कलर के साथ आपको ग्रे एंड वाइट, ये दो कलर के एक्सेंट्स मिल जाते हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट होती है, बट यू ऑल्सो हैव दिस नेवी ब्लू कलर विथ इट। एंड जो पूरी पेंट स्कीम है वो ग्लॉस कलर है। यहाँ पर मैट में आपको सिर्फ ये ग्रे कलर और वाइट कलर का जो एक्सेंट्स है जो बीच बीच में यहाँ पर लगाए गए हैं, वही आपको मैट में मिलेंगे, बाकी पूरी बाइक ग्लॉस में है। आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। सो यस, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे कि 250 में आपको USD फोक्स नहीं मिल रहे हैं, तो वेल इतनी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो टेलीस्कोपिक फोक्स आर प्रीटी मच ओके फॉर दिस 248cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जिसकी परफॉर्मेंस फिगर्स काइंड ऑफ ओके ही है। आई गेस 23 BHP समथिंग पावर है। वेल, रिव्यू में आपने देख ही लिया रहेगा कि क्या परफॉर्मेंस फिगर है, और उसके लिए ये मोर देन एडिक्वेट है, मोर देन एनफ। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर डिस्क दिख जाती है विद सिंगल चैनल ABS। पीछे की तरफ भी डिस्क है, बट नो ड्यूल चैनल ABS ओवर हियर। तो ये थोड़ा बहुत इस बाइक का डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर जो टायर्स है वो MRF की तरह से टायर्स मिलते हैं, तो MRF के टायर्स वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही रहते हैं, स्टिकी टायर्स रहते हैं। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट anyways, अगर आपको आगे जाकर चेंज करना है तो यू कैन। और साइड में आते हुए यहाँ पर है हमारा इंजन, जिसके बारे में बता चुका हूँ। तो ऊपर की तरफ देखें, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आई गेस 14 लीटर्स है, विच इज़ प्रीटी मच डिसेंट फॉर सिटी यूज़। ये बाइक को सिटी यूज़ के लिए बनाया गया है, और उसके लिए ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा USB सॉकेट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। टेक अ लुक एट द डिस्प्ले, बंद करके फिर से चालू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले लुक दिखता है, एक अच्छी सी फुल स्वाइप मिल जाती है टैकोमीटर की तरफ से। एंड टैकोमीटर यहाँ पर जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि पल्सर का जो एक परफॉर्मेंस वाला एग्रेशन वाला फील है वो टैकोमीटर से बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए टैकोमीटर रिटेन किया गया। जो NS 200 में डिस्प्ले काइंड ऑफ उसी तरह ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया है। यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा जगह वेस्ट हो चुकी है, इसके लिए इतनी ज़्यादा जगह ज़रूरत नहीं है। जो डिजिटल डिस्प्ले है उसको थोड़ा बड़ा कर सकते थे। इन्फो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं मिलती, बस टाइम है, यहाँ पर आपका गियर पोजिशन इंडिकेटर आपको मिल जाता है, विच इज़ गुड। फ्यूल लेवल, स्पीड, एंड आफ्टर दैट यू हैव Trip 1, Trip 2 एंड डिस्टेंस टू MT एज वेल, एंड ओडोमीटर, एंड आई गेस Trip F भी आ जाएगा अगर फ्यूल कम रहेगा तो। ऑल्सो शिफ्ट लाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। एंड लुक एट द स्विच क्वालिटी, स्विच फील काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बैकलिट कीज आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस तरह से यहाँ पर हॉर्न है आपका, एंड पास के बटन। तो जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पर पल्सर की 250 सीरीज़ की,
काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो। जो पल्सर RS और पल्सर आई गेस 150 उसमें बिल्ड क्वालिटी को लेकर क्वेश्चन उठ रहे थे, बट एज आई सेड इन माय डोमिना वीडियो एज वेल, डोमिनार और नई 250 सीरीज में बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। साइड में आते हुए यहाँ पर आपको एक 790 mm की सीट हेड मिल जाती है। सीट कुशनिंग काफी ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, और ये कुशनिंग सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन। पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड पल्सर की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, एक अच्छे से ग्रैब रेल्स पीछे बैठने वालों के लिए, पिलियन के लिए। एंड पीछे की तरफ आपको यहाँ पर मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाता है। आई गेस प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी है यहाँ पर, सो अगेन विल बी गुड फॉर सिटी राइड्स। आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बस एक बार एडजस्ट कर दिया तो आई डोंट थिंक आप इसे चेंज करने वाले हो, बट स्टिल अगर आप यूज़ करोगे इसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा बेस्ड ऑन योर राइडिंग कंडीशन। अगर आप सोलो चला रहे हो तो कुछ अलग सेटिंग, पिलियन के साथ हो अलग सेटिंग, लगेज है तो अलग सेटिंग, तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो और मैं रिकमेंड करूँगा कि यूज़ करो। अगर दिया है तो यूज़ करो भाई, ऐसे ही पड़े रहोगे क्या। और पीछे की तरफ आपको आई गेस 130 का रियर टायर मिल जाता है, अगेन फ्रॉम MRF। एंड पीछे की तरफ डिस्क है, यहाँ पर आपको ABS की रिंग ज़रूर दिख रही है, लेकिन डोंट मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता, ये रिंग ज़रूर देखने को मिल जाती है। और टायर हगर भी मिल जाता है ताकि पीछे बैठने वाले की पीठ काली ना हो जाए, लाल ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, जो कहना है कह लो। और यहाँ पर एक साड़ी गार्ड मिल जाता है, और इसी के साथ आपको यहाँ पर 5-speed गियर बॉक्स मिलता है। मेरे लिए तो वेल ठीक ठाक ही लग रहा है क्योंकि मैं RTR ओनर हूँ, मुझे 5-speed का ही आदत है, तो 6-speed का जो एक गियर कम है उसका जो मिसिंग रहता है ना वो कभी कभार ही मुझे फील होता है। बट यस, अगर आप NS200 चला चुके तो आपको यहाँ पर ज़रूर फील होगा 6 gear मिस होने का। एंड आपको यहाँ पर इसी के साथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाता है, तो सिटी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बाइक है ये। एंड ऑल्सो कलर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर टैंक पोर्शन में एक मेटल टैंक आपको यहाँ पर मिलता है, ये यहाँ पर पोर्शन आपका प्लास्टिक हो जाता है। ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर है ब्लू कलर का, यूजुअली ब्लू कलर बाइक्स में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता, बट इस बाइक में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड अगर मुझसे पूछोगे तो N250 और F250 दोनों बाइक्स में ये कलर अवेलेबल है, और मैं तो कहूँगा अगर ये बाइक ले रहे हो तो इसी कलर में लेना। एंड ऑल्सो अगर F250 का भी रिव्यू देखना है तो आई बटन पर लिंक शेयर हो रही है, जाके चेक करना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो है। ओके, सो दैट शुड बी इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस बाइक, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस विद फ्रेंड्स एंड स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर क्वालिटी ऑटोमोटिव कंटेंट।